Subscribe and press the bell icon for latest update. हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उकलाना के अंदर सर एक बड़ी ही घिनौनी घटना जो है वो सुनने में आई है, जिस तरीके से वहाँ पर एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, किस तरीके से आप मानते हैं और भी पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाएं जो है? देखिए, मैंने कहा पहले भी, ये प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो ऐसी है, ना बच्चे घर में सेफ हैं, ना स्कूल में सेफ हैं, ना महिला सेफ हैं। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं प्रदेश में, और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार ही नहीं। जहाँ तक ये हुआ है, जो बड़ा अनर्थ हुआ है, और कोई ना कोई राक्षस रूपी इंसान होगा जिसने किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा काम ना हो जैसा ये गुड़गांव में हुआ कि बेकसूर को बताएं स्वास्थ्य, अगर पहले ही ये सीबीआई को रेफर कर दें तो बेहतर होगा। सर, जो एनसीआरबी के डाटा है उस डाटा में भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, तो प्रदेश सरकार उन डाटा से कोई सरोकार नहीं कर रही। प्रदेश सरकार कह रही है कि इन डाटों की कोई बात नहीं है, जो आप लोगों की सरकार थी आप लोगों की सरकार के वक्त तो FIR दर्ज तक नहीं होती थी, ये प्रदेश सरकार ऐसा है। प्रदेश सरकार है उनकी, कोई ऐसा व्यक्ति तो लाए जो हमारे समय FIR दर्ज कराएंगे और नहीं हुई हो, ये सब बनावटी बातें हैं। हमारा तो, मेरा तो स्टैंडिंग आदेश था सबसे पहले कि पहले FIR दर्ज होगी, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर था सर। पांच तो लेकिन ये क्योंकि कानून व्यवस्था में बुरा हाल हो गया प्रदेश का, ये लोगों का ध्यान और आकर्षित करना चाहते हैं, चौथे नंबर पर आ गया। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।